नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जम्मू को 32,000 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाओं की सौगात दी है। इसी दौरान रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत में परिवारवाद पर भी तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर बदल रहा है, साथ ही अब परिवारवाद से भी मुक्ति मिल रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर लंबे समय से परिवारवाद का शिकार रहा है, लेकिन अपने परिवार की चिंता करने वाले लोग दूसरों के परिवारों की चिंता नहीं करते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने यहां जिन परियोजनाओं की सौगात दी, उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, सड़क, पेट्रोलियम आदि के बुनियादी ढांचे शामिल हैं। इनमें 3 नए IIT, 3 नए IIM और 1 एम्स भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कई रेल परियोजनाओं का भी इनॉग्रेशन किया। ये रेल परियोजनाएं बनिहाल, खारी, सुंबर, संगलदान, जो करीब करीब 48 किलोमीटर लंबा खंड है वहां पर, और बारामूला, श्रीनगर, बनिहाल, संगलदान खंड, जो करीब करीब 185 किलोमीटर लंबा है, इन खंडों में लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान संगलदान बारामूला के बीच चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। माना जा रहा है कि इन रेल परियोजनाओं से जम्मू में कनेक्टिविटी में पहले से काफी सुधार आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हम नया जम्मू कश्मीर बनता हुआ दिख रहा है। पिछले 10 साल में देश में 15 नए एम्स स्वीकृत हुए हैं, उनमें से एक जम्मू में सेवा के लिए भी तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि यहां के विकास की सबसे बड़ी दीवार धारा 370 थी, जिसे हमारी सरकार ने गिरा दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि हमने सुना है कि अब 370 पर एक फिल्म भी बनने जा रही है। मुझे नहीं पता वो कैसी फिल्म है, लेकिन संभव है कि उसमें पहले के लोगों की पीड़ा को आवाज जरूर मिली होगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।